हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 एरिया अंडर द कर्व। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी थी, सेकंड एक्सरसाइज आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, दो कर्व्स में हमने एरिया जो है वो आपका क्या है सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो जो सम्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फर्स्ट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फिगर ड्रॉ करनी है, ड्रॉ द फिगर। तो गिवन कर्व इज, आप देखो ये किस टाइप की कर्व, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, दैट इज पैराबोला। और ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है, सो इट इज अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, सो वी ड्रॉ द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। नाउ we have given x equals to 1 and x equals to 2, so we take x equals to 1 and x equals to 2, तो ये लाइन हमारे पास होगी x equals to 1 and ये होगी x equals to 2 and x axis साथ में mention है, and x axis तो कह रहे हैं कि कौन, अब आप देखो कि कौन से एरिया बाउंड हो रहा है पैराबोला के साथ, इन दोनों लाइंस के साथ एंड एक्स एक्सिस के साथ। ध्यान से देखो, तो कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ये एरिया, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 2, सो रिक्वायर्ड एरिया इज 1 to 2 वाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, सो 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट किया तो एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट है 1 से 2, पहले 2 पुट किया फिर 1 पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया 8/3 माइनस 1/3, दैट इज 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट वन इज वाई इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4 एंड एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 5 एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये भी वैसे ही अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई टाइप की इक्वेशन है, तो ये भी हमारे पास कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। देखो ठीक है, अब हमारे पास जो लाइन्स है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 5 ले लिया। ठीक है, सेम टू सेम रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या आ गया, जो बाउंड हो रहा है इन तीनों के साथ, ये x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4, तो ये एरिया क्या है, शेडेड रीजन विच इज फ्रॉम 1 to 5 y dx, इंटीग्रल ऑफ 1 to 5 y dx, और y की वैल्यू जो क्या x रेज टू पावर 4। उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया, x रेज टू पावर 4 की इंटीग्रेशन, x रेज टू पावर 5/5, और लिमिट्स है 1 to 5, तो पहले सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास आ गया 6 to 4.8 स्क्वायर यूनिट्स। रिमेंबर दैट इट इज एरिया, सो आपने यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिखना ही लिखना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, बिकॉज एरिया की जो वो होती है, एरिया में जो हम यूनिट के साथ क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स वाई इक्वल्स टू एक्स एंड वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो एक लाइन है हमारे पास जो गिवन है, और एक कर्व गिवन है। ठीक है, आपका जो डिलीटेड सिलेबस में पार्ट किया उन्होंने, डिलीटेड पार्ट वो है कि एरिया बिटवीन कर्व्स, दैट इज बिटवीन पैराबोला एंड एलिप्स, और बिटवीन पैराबोला एंड सर्कल, बिटवीन टू सर्कल्स, तो दो कर्व्स के बीच वाला जो एरिया आपने फाइंड करना है वो डिलीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास लाइन है और एक क्या है, कर्व है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ड्रॉ द फिगर। तो कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, दैट इज अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं बना, तो आपने जो फिगर ड्रॉ करनी है वो अच्छे से करनी है, और जो लाइन है वो क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स, तो वाई इक्वल्स टू एक्स क्या होती है, लाइन ओरिजिन से पास करेगी,
तो ये लाइन होगी हमारे पास y इक्वल्स टू x और ये कर्व होगी y इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो शेडेड सॉरी जो बाउंडेड रीजन है इन दोनों के साथ वो कौन सा आ रहा है, दैट इज दिस एरिया विच इज बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर कर्व। ठीक है, ठीक है, सो इसको हम नेमिंग कर देते हैं। ये हमारे पास O है, इसको हमने A का नाम दे दिया और ये पॉइंट हमारे पास B हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया C। सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन एंड द कर्व वी विल हैव टू फाइंड सो दैट वी कैन फाइंड द एरिया। ठीक है, सो हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स के कर्व है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स है, तो इसमें हमने पुट की y इक्वल्स टू एक्स वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम y की जगह x पुट करेंगे x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दैट इज x इक्वल्स टू वन, और x वन है y इक्वल्स टू एक्स है तो y भी क्या हो गया वन। सो इंटरसेक्शन पॉइंट इज 1, 1, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या है, देखो रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए वो है ओ ए बी ओ। तो हम किसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें सिर्फ ये एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट एरिया, देखो कंप्लीट एरिया ये सारा एरिया फाइंड करेंगे और ये सारा एरिया क्या बनेगा ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ माइनस, उसमें क्या माइनस करेंगे ओ बी ए या ओ ए सी ओ, सॉरी जो हमें चाहिए वो है ओ ए सी ओ और जो माइनस करेंगे वो हम क्या करेंगे ओ बी ए सी ओ, ओ बी ए सी ओ, इसके एरिए से हम इसका एरिया क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। और जो लिमिट है वो क्या है, यहाँ पे जो एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो क्या है 1, 1, दैट इज यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 0 से 1 इंटेग्रल ओ ए सी ओ। अब देखो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया, एरिया ऑफ ओ ए सी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ सी ए बी ओ। ठीक है, अब देखो ये जो एरिया ओ ए सी ओ एरिया ये किसके अंडर आ रहा है, ये सारा एरिया लाइन के अंडर आ रहा है, किसके अंडर आ रहा है लाइन के, तो लाइन में लाइन के हमारे पास y इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x dx माइनस, हमने ये वाला माइनस करना है तो ये एरिया किसके अंडर आ रहा है, ये आ रहा है पैराबोला के अंडर, तो ये क्या आएगा 0 to 1 x स्क्वायर dx। ठीक है, तो x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब बाई 3, तो हो गया 1/2 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 3 - 2/6 दैट इज 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट देखो, स्केच द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स प्लस 3 एंड इवेल्युएट -6 to 0 मॉड एक्स प्लस 3। सबसे पहले हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम कर्व्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे फॉर प्लॉटिंग द पॉइंट्स। ठीक है, यहां पे ले लिया हमने एक्स, यहां पे ले लिया वाई, तो देखो 0 से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो हम पुट करते हैं, हमने x को -6 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। नेगेटिव से पुट करें बिकॉज जो मॉडुलस है वो ऑलवेज क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो x को -5 पुट किया तो इसकी वैल्यू आएगी 2। -4 करेंगे y की वैल्यू आएगी 1, -3 करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0, -2 करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 1, -1 करेंगे इसकी वैल्यू 2 आएगी और अगर 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी।
ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि वाई है, मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये होता है, ये चीज़ मॉडुलस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि एक्स प्लस थ्री अगर लेस देन ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। दैट मीन्स अगर एक्स लेस देन माइनस थ्री है, और अगर एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इस मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब जो थ्री है वो इसका क्या है, एक तरह से वो पॉइंट है जिस पे ये कर्व है जो ब्रेक हो जाएगी एक तरह से, ठीक है, मतलब मीट करेगी। इसकी दो कर्व्स बनेंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स लेस देन माइनस थ्री है तो इसकी वैल्यूज भी है, एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री है तो इसकी वैल्यू ये होगी। मतलब अगर आपने x ग्रेटर देन माइनस थ्री लिया तो ये इसमें पुट करोगे वैल्यू, अगर x लेस देन माइनस थ्री ले रहे हो तो इसमें पुट करोगे वैल्यूज, ठीक है। ऐसे आपकी मॉडुलस की वैल्यूज आएंगी। तो हम इसका स्केच कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो ये जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है। तो आप ये पॉइंट से भी देख सकते हो, पॉइंट्स हमारे पास हैं x माइनस सिक्स है, y थ्री है, माइनस फाइव है, टू है। तो माइनस सिक्स से स्टार्ट किया हमने, वन टू थ्री फोर फाइव, तो x माइनस सिक्स y इज थ्री, x माइनस फाइव y की वैल्यू कितनी है, टू, x माइनस फोर y की वैल्यू है वन, x माइनस थ्री y की वैल्यू ज़ीरो, ठीक है, x माइनस टू y की वैल्यू अगेन वन, अगेन टू एंड ज़ीरो पे थ्री। तो देखो ये माइनस थ्री है जो इन माइनस थ्री पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, इस मॉडुलस का ग्राफ, मॉड x प्लस थ्री का, ठीक है। अगर हम मॉड एक्स का देखें तो मॉड एक्स का क्या होता है, मॉड एक्स में क्या होता है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, ज़ीरो से लेस पे नेगेटिव, ज़ीरो से लेस पे, ज़ीरो से ग्रेटर पे पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है हमारे पास, ये ज़ीरो पे होता है ऐसे, ठीक है, ज़ीरो से लेस पे, एक्स अगर लेस देन ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव, अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यूज एक तो हमने टेबल से फाइंड किया, ऐसे भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो। देख लो, मान लो आपने x लेस देन माइनस थ्री लिया, मतलब माइनस सिक्स लिया, तो यहाँ पे माइनस सिक्स पुट करोगे क्या होगा, y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे x प्लस थ्री है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने x को माइनस थ्री लिया है, लेस देन माइनस थ्री लिया है, माइनस सिक्स लिया है, तो ये क्या बनेगी वैल्यू, माइनस सिक्स प्लस थ्री इज माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस थ्री, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन लिख के इसका टेबल बना सकते हो, ठीक है। फिर आपने कह लिया माइनस फाइव, तो माइनस फाइव प्लस थ्री इज माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू, यही सारी वैल्यूज आएंगी। अगर एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री ले रहे हो दैट इज माइनस टू, तो ये क्या होगी, माइनस टू प्लस थ्री इज वन, दोनों साइड ही पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तभी कहते हैं जो मॉडुलस है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है आपको, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, जहां भी आपने मॉडुलस का स्केच बनाना है तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। इसमें आप दो तीन पॉइंट्स इसमें पुट करो, दो तीन पॉइंट्स मतलब ग्रेटर देन पुट करो, दो तीन पॉइंट्स लेस देन पुट करो, आपके पास ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट्स आ जाएंगे, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इजी। अब हमने स्केच ड्रॉ कर दिया इसका, नाउ हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया माइनस सिक्स टू जीरो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस थ्री, तो ये चीज हमें पता है मॉडुलस को कैसे ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट माइनस थ्री है, तो माइनस सिक्स से माइनस थ्री पे इस मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव होगी, और माइनस थ्री टू जीरो पे इस मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया, तो एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, थ्री की थ्री एक्स, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाय टू, थ्री की थ्री एक्स, और यहाँ पे लिमिट्स है माइनस सिक्स टू माइनस थ्री, माइनस थ्री टू जीरो। Now substitute the limits, 9 by 2, minus 9, minus 6 put करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 by 2, और minus 6 into 3 is minus 18,
यहाँ पे जीरो पुट करेंगे जीरो और ये हो गया माइनस नाइन बाय टू प्लस नाइन. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस नाइन बाय टू, ये क्या हो जाएगी 18, तो 18 माइनस 18 क्या हो गया जीरो. तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ रहेगी और यहाँ पे ये रह गया, ये हो गया 9 बाई टू प्लस 9 बाई टू दैट इज 18 बाई टू. 9 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया रिक्वायर्ड एरिया. नेक्स्ट वन इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू साइन x बिटवीन x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल्स टू 2 पाई. अब हमारे पास जो कर्व है वो साइन x है. ठीक है, तो इसकी आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए. साइन जीरो इज जीरो, साइन पाई बाय टू इज वन. ठीक है, साइन पाई इज जीरो. तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले. तो साइन की जो रेंज होती है वो माइनस वन टू वन होती है. ठीक है, और यहाँ पे जो हमने डोमेन लेनी है वो जीरो टू टू पाई लेनी है. इसी इंटरवल में हमने इसका ग्राफ देखना, स्केच देखना. वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, हमारे पास कर्व है, तो एक्स को जब जीरो पुट किया तो वाई भी क्या हो गया जीरो. एक्स को वन पुट करेंगे, इसका भी टेबल बना सकते हो आप, ये तो आपको पता ही है. एक्स को जीरो पुट करोगे वाई क्या आएगा साइन जीरो जीरो. एक्स को पाई बाय टू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी वन. पाई पुट करेंगे इसकी वैल्यू अगेन जीरो. ठीक है, इसके बाद थ्री पाई बाय टू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन. एंड फिर आप टू पाई पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो. ठीक है, ये तो आपको पता ही है साइन की वैल्यूज. ठीक है, और टू पाई पे फिर क्या आएगी जीरो. तो साइन जीरो इज जीरो, साइन पाई बाय टू इज वन. ठीक है, पाई इज अगेन जीरो, साइन थ्री पाई बाय टू इज माइनस वन एंड टू पाई इज अगेन जीरो. देन जी होगी स्केच ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन एक्स जीरो टू टू पाई. ठीक है, अब देखो कि x इक्वल टू जीरो एंड टू पाई और y इक्वल टू साइन एक्स, इसमें कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ये एरिया एंड ये एरिया. ठीक है, सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारे पास, जीरो टू पाई साइन एक्स एंड पाई टू टू पाई साइन एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो साइन की वैल्यूज हैं जीरो टू पाई इसमें पॉजिटिव होता है और पाई टू टू पाई में साइन की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव होती है. ठीक है, सो हम है तो ये सिमेट्रिकल कर्व है, बट जीरो टू पाई में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और पाई से टू पाई में साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है. सो जीरो टू पाई हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो वाई इक्वल्स टू साइन एक्स आएगा और पाई से टू पाई जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो क्या आएगा माइनस साइन एक्स. ठीक है, नाउ इंटीग्रेट. साइन एक्स की इंटीग्रेशन की माइनस कॉस एक्स जीरो टू पाई, माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स पाई टू टू पाई. माइनस बाहर निकाल दिया, ये हो गया कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, माइनस माइनस प्लस कॉस टू पाई माइनस कॉस पाई. ये हो गया माइनस वन माइनस वन, कॉस टू पाई इज वन माइनस कॉस पाई इज माइनस वन. तो माइनस ऑफ माइनस टू प्लस टू दैट इज फोर स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर इज द रिक्वायर्ड एरिया. Next is find the area enclosed by the parabola y square equals to 4ax and a line y equals to mx. तो y square equals to 4ax जो parabola है वो कौन से parabola होगा? Right word parabola. ठीक है, y square equals to 4ax, right word parabola. ठीक है, जिसका vertex 0, 0 ही है. और जो लाइन है वाई इक्वल्स टू एम एक्स, तो ये वाई इक्वल्स टू एक्स टाइप की है, तो दैट मीन्स इट पासेस थ्रू ओरिजिन. ठीक है, नाउ द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स इज दिस. ठीक है, सो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स, दीज टू कर्व्स. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने इनको सॉल्व किया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स. तो वाई की वैल्यू एम एक्स हमने यहाँ पे पुट की,
एम एक्स के स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इट इज एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4a बाई एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट की y इक्वल्स टू m इंटू 4a बाई एम स्क्वायर, तो ये आ गई 4a बाई एम। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 4a बाई एम स्क्वायर कॉमा 4a बाई एम, दिस पॉइंट इज, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया हमारे पास, इसको हमने नेमिंग कर दी ओ ए। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास हो गया ओ बी ए ओ, ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया सी का। तो वैसे ही है सेम टू सेम, कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम इस पूरे का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका माइनस कर देंगे, कंप्लीट में से इसका माइनस कर देंगे, तो क्या रह जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया। तो देखो जो पूरा एरिया है वो किसके अंडर है, वो पैराबोला के अंडर है, और जो ये वाला हमने माइनस करना है ये एरिया किसके अंडर है, ये लाइन के अंडर है, मतलब पैराबोला के पैराबोला से हम लाइन का एरिया माइनस करेंगे जो लाइन के अंडर, और जो लिमिट है वो क्या होगी 0 to 4a बाई एम स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4a बाई एम स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया ओ बी ए ओ किसके इक्वल हो गया, ओ ए सी ओ माइनस, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं ओ बी ए सी ओ माइनस ओ ए सी ओ, ठीक है, पैराबोला माइनस लाइन। तो देखो लिमिट क्या है 0 to 4a बाई एम स्क्वायर, और पैराबोला हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो y की वैल्यू क्या होगी √4ax, दैट इज √ax, तो √ax, ठीक है, और लाइन में लाइन है हमारे पास y इक्वल्स टू mx, तो यहाँ पे आ गया mx 2x, और जो लिमिट है वो है 0 to 4a बाई एम स्क्वायर। तो 2√a इज कॉन्स्टेंट, √x की इंटीग्रेशन x रेस्ट पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। नाउ सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो 4/3 √a, 4a बाई एम स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, माइनस m/2, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 4a बाई एम स्क्वायर पुट कर दिया, 4/3 √a, तो ये क्या हो गया 4 रेस्ट पावर 3/2, a रेस्ट पावर 3/2, अब देखो m स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, 2 कैंसिल, दैट इज m क्यूब, माइनस m/2 ये हो गया 16a² डिवाइडेड बाई m रेस्ट पावर 4। तो ये तो आपने सॉल्व भी करना है, 4/3 ये क्या हो जाएगा a रेस्ट पावर 1/2 है, a रेस्ट पावर 3/2, बेस सेम पावर जेड, सिमिलरली यहाँ पे बेस सेम पावर जेड, ये 1 है तो 1 + 3/2 इज 5/2, या आप ऐसे कर सकते हो इसको 4 रेस्ट पावर 3/2 है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, और बाहर कितनी पावर है 3/2, तो ये आ गया 2 रेस्ट पावर 3 8, 8 बाई एम क्यूब, 8 4 32 a² / 3m³ माइनस 8a² / m³, तो हमने एलसीएम लिया 3m³, तो 32a² - 24a², दैट इज 8a² / 3m³ इज अ रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले मेन जो आपका काम है वो क्या है, ड्रॉ द फिगर, देन शेड द एरिया, थर्ड पॉइंट इज फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है, एंड देन फाइंड द एरिया, किस में से हमने किस एरिया को माइनस करना है ये आपने देखा, ठीक है, और उसके बाद आपकी कैलकुलेशन है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने है तो कैलकुलेशन है, और अगर आपने एरिया फाइंड करना है, इंटीग्रल करना है, तो आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब हमारे पास जो कर्व्स है वो क्या है, 4y = 3x² एंड द लाइन 2y = 3x + 12। तो यहाँ से पहले पैराबोला देखो किस फॉर्म का है, x² = 4/3y, दैट इज x² = 4ay फॉर्म का, तो दैट मीन्स ये अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है, सो इट इज अपवर्ड पैराबोला। अब लाइन है 2y = 3x + 12, तो लाइन के लिए हमने पॉइंट्स निकाले, एक्स को जब 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 12/2 = 6, और वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी -5।
4, ठीक है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया लाइन का, तो ये हो गया 0.6 माइनस 4.0, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो शेडेड रीजन है, ओ सॉरी, जो बाउंडेड रीजन है वो कौन सा होगा, ये सारा जो इस कर्व और इस लाइन से बाउंडेड है, ये सारा रीजन आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम देखो, हमने हम डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से एरियाज फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लिमिट्स चाहिए, इसलिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। हमें एक्स मेन एक्स की वैल्यूज चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। हम फाइंड करेंगे, वो अपने आप ही दो आ जाएंगे। तो देखो हमारे पास जो कर्व है, एक तो एक्स के इक्वल्स टू 4/3y एंड सेकेंड वन इज 2y इक्वल्स टू 3x+12। तो देखो हमने यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पे पुट की, ठीक है। ये आ गया एक्स केयर इक्वल्स टू 2 × 3x+12 डिवाइडेड बाई 3, एक्स केयर इक्वल्स टू, यहाँ से हमने 3 कॉमन, सॉरी यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाल लिया, 6 × x+4 डिवाइडेड बाई 3, 3 × 2 = 6। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स केयर माइनस 2x - 8 इक्वल्स टू 0। देन बाई फैक्टराइजेशन वी गेट द वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू 4 and -2। Now if x equals to 4, then y equals to 12, and x equals to -2, then y equals to 3. So we have two intersection points that are 4, 12 and -2, 3. अब intersection points हमारे पास आ गए, तो अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा। देखो हम क्या करेंगे, देखो ये सारा एरिया फाइंड करेंगे पहले। देखो हमने यहाँ से यहाँ तक एरिया चाहिए, बट ये चाहिए ना, ये नहीं चाहिए ये पार्ट, तो हम पहले सारा एरिया फाइंड करेंगे सारा, ठीक है, ओके। तो ये सारा एरिया किसके अंडर आ रहा है, लाइन के अंदर, ठीक है। अब इस लाइन के एरिया से हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया, सॉरी सारे एरिया के अंदर से हम क्या करेंगे, ये एरिया एंड ये एरिया क्या कर देंगे, इसको माइनस, इन दोनों एरियाज को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया हमारे पास ए बी सी ओ ई ए माइनस एरिया ऑफ ए ई ओ ए प्लस एरिया ऑफ ओ बी सी डी, इन दोनों के एरिया क्या करना है हमने, माइनस। मतलब अगर हम इन दोनों का प्लस करें और टोटल में से माइनस करें तो ये चीज रह जाएगी हमारे पास, ठीक है, हमें ये चाहिए ना। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया ए बी डी ओ ए रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास है ए बी डी ओ ए, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी ए माइनस एरिया ऑफ ए ई ए प्लस, ये आप नेमिंग देनी है, ये आप जैसी मर्जी दे सकते हो, आपको बस समझ आना चाहिए किस में से क्या माइनस करना है, ठीक है। तो हमने इस पूरे में से इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। अब देखो जो पूरा एरिया वो क्या होगा, माइनस 2 से 4 तक, इसकी लिमिट क्या है एक्स की, माइनस 2 से 4, और ये सारे एरिया लाइन के अंडर है, तो माइनस 2 से 4 इंटीग्रल, और वाई की वैल्यू क्या है, 3x+12/2, यहाँ पे आ गया माइनस 2 से 4 3x+12/2 dx माइनस। अब देखो हमने इन दोनों एरियाज को माइनस करना है, तो ये भी एरिया क्या है हमारे पास, ये पैराबोला है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा बन गया ना, तो ये सिर्फ ओरिजिन को टच करा है ना, और हमने ये और ये माइनस करना है, और यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे, माइनस 2 से 4 ये दोनों एरियाज किसके अंडर है, पैराबोला के अंडर है। आप अलग अलग भी लो, माइनस 2 से 0 एरिया क्या है, ये अंडर किसके है, पैराबोला के, फिर आप लोगे 0 से 4 ये भी किसके अंडर है, पैराबोला के, तो हम एक साथ भी तो ले सकते हैं माइनस 2 से 4, क्योंकि दोनों ही पैराबोला के अंडर है,
ठीक है, मतलब ये आपके पास अगर आप अलग अलग लो तो ये चीज़ बनती है ना, माइनस टू से ज़ीरो प्लस ज़ीरो से फोर, पर दोनों के कर्व क्या है, सेम है, तो आप माइनस टू से फोर सेम कर्व ऐसे एक साथ ले रहे हैं, माइनस टू से फोर पैराबोला की कर्व। बस उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद तो हमने वैल्यूज पुट की है, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व की है, फोर पुट किया, 16, 48 बाय, एक मिनट, हाँ जी, तो हमारे पास आ गया 48 बाय 2 प्लस 48 माइनस 12 बाय 2 प्लस 24। सिमिलरली यहाँ पे 4 एंड माइनस 2 वैल्यूज पुट की, ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 27 स्क्वायर यूनिट।